सहनावतु सहनौपुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदांत दर्शन की तीसरी कक्षा। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चौथे सूत्र के भाष्य को हमने कुछ देखा था। ब्रह्म की जिज्ञासा का विषय उठाया था। किस ब्रह्म की? तो जो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय को करता है, और वो परमात्मा है, इन सबको बनाता है। उसका कारण क्या है, कैसे पता लगेगा? तो कि वो बनाने वाला परमात्मा ही है, ब्रह्म है। तो उसके लिए शब्द प्रमाण, शास्त्र योनित्वात्, शब्द प्रमाण के आधार पर, वेद के आधार पर भी हम जान सकते हैं। और तत्तु समन्वयात्, और उसका समन्वय होने से, यानी युक्ति अनुमान होने से भी ये ऐसा हो सकता है। तो शब्द प्रमाण से भी पता लगता है, और सृष्टि को देख करके भी, उससे भी हमें समन्वय होता है कि ब्रह्म इस सृष्टि का रचयिता है। उस ब्रह्म की हमें फिर जिज्ञासा करनी चाहिए। और पिछले पाठ में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछ शक्ति नंदन जी। ओ दूसरे सूत्र के भाष्य में आचार्य जी, पहली पंक्ति में अस्य का अर्थ खोलते हुए स्वामी जी लिखते हैं, समक्षस्य इंद्रिय मनोगोचरस्य। इसमें पूछना था आचार्य जी, ये समक्षस्य इंद्रिय गोचरस्य कहा है, जो इंद्रिय गोचर नहीं है उसके लिए फिर अर्थ कैसे निकाला जाए? उसका भी ग्रहण हो जाएगा। मनोगोचरस्य जो साथ में कहा है, योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, मानसिक प्रत्यक्ष होता है, उसका भी यहाँ पर ग्रहण हो जाएगा। तो आपका प्रश्न था कि जो समक्ष नहीं है, इंद्रिय एकदम सामने नहीं है, तो मन से भी जो जाना जाता है, एक इतना सूक्ष्मता से नहीं लेना है यहाँ पर। अस्य इसका, जो ऐसा जिसका हम साक्षात्कार कर रहे हैं, इसका, उनका ग्रहण हो या ना हो, लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है, इसका जिससे है, इतने से भी ईश्वर की सिद्धि होती है। और जो परोक्ष है, जो हमें मान लो दिखाई नहीं भी दे रहा है, उसको ग्रहण करें ये आवश्यक नहीं है। जिस उदाहरण से हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है उतना पर्याप्त है, आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है उसमें। उससे भी होता है तो हो जाए, नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं है। इसका जन्म आदि जिससे होता है जी। ठीक है, धन्यवाद। और कोई कुछ? आचार्य जी, पहला सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ पर अथ शब्दो अनंतरार्थ कहा है, इसका मतलब केवल अनंतरार्थ में ही अथ शब्द का यहाँ पर उपयोग करना है, या तो अधिकार अर्थ में भी ले सकते हैं? अधिकार अर्थ भी ले सकते हैं, अधिकार अर्थ में भी आता है, वो भी कोई आपत्ति नहीं है अधिकार की। इस हेतु से ब्रह्म की जिज्ञासा है, उस हेतु के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। उसमें फिर दुख की निवृत्ति जो है, या दुख देख करके हम इधर आए हैं, दुखी हो गए हैं, संसार में सुख की अनित्यता है, ये सब हेतु में ले लेंगे, और हमें नित्य सुख प्राप्त करना है क्योंकि यही आत्मा का स्वभाव है, उस सब का ग्रहण कर लेंगे। अथ को अधिकार के लिए आपत्ति नहीं है उसमें कुछ, लेकिन इसी शैली से औरों ने भी किया है अर्थ तो। और ये तो ठीक है जी। दूसरा प्रश्न है कि कल एक बात आया था जन्माद्यस्य यतः में, सामान्य हेतु का बात उठाए थे, सामान्य हेतु प्रदर्शन आया कह के, तो मैं ये पूछना चाह रहा था यहाँ पर कि सामान्य हेतु और विशेष हेतु, इन दोनों में विशेष हेतु जो न्याय दर्शन में अनुमान की प्रक्रिया होती है, और जहाँ व्याप्ति से युक्त तो होता है, यानी अव्यभिचरित हेतु होता है, और एकदम निश्चित हेतु कोई दिया जाता है, उसको तो विशेष हेतु कहेंगे। और एक जिसको हम कहते हैं कि इस कारण से जा रहा हूँ, ये इसका कारण है, सामान्य रूप से केवल है, उसका ग्रहण है यहाँ पर। यदि ऐसा माना जाए तो जो पहले सूत्र में अतः शब्द का स्वामी जी ने जो आचार्य शंकर का जो उदाहरण देके उनका खंडन किए हैं, तो
वो हेतु आवश्यक नहीं है ऐसा बताया है। यदि उस हेतु को हम सामान्य हेतु माने, ऐसे नहीं, वो तो वो अलग प्रसंग है, उस तरह से जो जिस तरह उन्होंने कथन किया व्याख्या की उसके अनुसार संगत नहीं बैठ रहा है, बस इतनी बात है। उन्होंने सामान्य रूप से कथन किया और वो संगत तो होना चाहिए ना। सामान्य का मतलब ये नहीं है कि असंगत कोई भी हेतु ले लिया जाएगा, विशेष हेतु हो चाहे सामान्य हेतु, संगत तो होना ही चाहिए। वो उन्होंने उनकी दृष्टि से वहां असंगतता है। असंगत किस प्रकार है? अब तो सारी चर्चा हो चुकी है मुझे, क्योंकि असंगत इसलिए नहीं लग रहा था। हाँ। क्योंकि यदि हेतु भी ना माने इसको, क्योंकि सामान्य हेतु के रूप में भी ना देखे। हाँ। आप कौन सी चीज कहना चाहते हो उसको उद्धृत करो पहले, बोलो। ये जो 34 पृष्ठ में, बोलो बोलो, 34 पृष्ठ में जो दूसरी पंक्ति है, यावता अथ शब्दस्य व्याख्याने धर्मजिज्ञासायाः प्रागपि अधीत वेदांतस्य ब्रह्मजिज्ञासा उपपत्तेः। अथ शब्द की व्याख्यान में इस चीज को वो बोले है, बताया है। तो यहाँ इस कारण से जब अथ शब्द में ही ये बात आ चुकी है, फिर से यहाँ पर हेतु के रूप में उसको दिखा रहे हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, ये चीज यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं। इस बात को नहीं कह रहे कि ये बात चूंकि अथ शब्द में कह ही दी है इसलिए अतः शब्द में नहीं आती, ये बात थोड़ा कही है इन्होंने, इस तरह से कथन नहीं है। अथ शब्द की व्याख्या में जब ये कहा कि शमदमादि के अनंतर, तो शमदमादि के अनंतर क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि धर्म जिज्ञासा के अनंतर ये हटाना था उनको, ठीक है। अर्थात उन्होंने ये हेतु वहां दिया था कि कर्मकांड धर्म को, कर्म को, कर्मकांड को जानने से पहले भी ब्रह्म की जिज्ञासा हो सकती है। तो कर्मकांड की जिज्ञासा अनिवार्य नहीं हुई ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, व्यभिचार हो गया ना, उसके बाद भी हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं है धर्म जिज्ञासा, लेकिन वो अनिवार्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। और जब उसकी अनिवार्यता नहीं है तो फिर उसके लिए यहां पर कारण में हेतु देना, क्योंकि उसका कर्म क्षय हो जाता है चित होने पे, शीघ्र क्षीण हो जाता है, ये हेतु देने की आवश्यकता नहीं है। और प्रयोजन वो आना चाहिए जो कि हमेशा रहे, दोनों जगह घटना चाहिए, इस दृष्टि से वहां पर कथन किया गया है। और किसी को पूछना? इसी सूत्र में, प्रथम सूत्र में, इसमें जो अनंतर शब्द की व्याख्या की थी, अधुना जगति रोग वियोग भोग दुख अनुभव अनंतरम, तो इसमें जो वियोग शब्द आया है, इसका जो प्रतिद्वंद्वी शब्द है संयोग, वो भी तो दुख का कारण बनता है। भले ही हो उसको, भले ही हो, इन्होंने वियोग लिखा है, आप और भी चीजें जोड़ सकते हो। सामान्यतया वियोग दुख का कारण होता है, संसार धन संपत्ति की दृष्टि से, और संयोग सुख का कारण होता है। लेकिन विपरीत भी हो सकते हैं, रोग का वियोग होगा तो हमारे को सुख होता है, और रोग कष्ट बाधा आदि का संयोग होता है तो भी कष्ट होता है। तो ये तो परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, मात्र वियोग नहीं कि हर चीज का वियोग, ये तो संसार का वियोग तो हम चाहते ही हैं, ये उन चीजों के वियोग की बात है जिसमें व्यक्ति सामान्यतया फंसा हुआ है और जिनमें रह करके वो सुख भोगता है, संसार की वस्तुएं और व्यक्ति, उन सब का इष्ट मित्र, उनका जब वियोग होता है तो उतने में वियोग होता है, वियोग से दुख होता है नहीं होता है, ठीक है। और वियोग को आप प्रतीकात्मक लेकर के, संकेतिक लेके, संयोग भी ले, संयोग वियोग दोनों ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है उसमें भी, मना नहीं है उसका। ये लेखक की स्वतंत्रता होती है कि वो दे भी देता है नहीं भी देता है, वो चार पांच भी दे सकता था, रोग भोग वियोग तीन ही दिए उन्होंने। अब भोग ही क्यों, अभोग भी तो दुख का कारण बन सकते हैं, तो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। अब ये जो रोग है, रोग का दुख है, मतलब जितनी भी कष्ट करें, रोग कहते किसको है, रुजती इति रोगा, रुच का मतलब जो रुझा देता है, पीड़ा देता है, तो वो चीजें तो सारी आई गई रोग के अंदर,
अब वियोग होगा, वियोग किसका होगा? रोग के वियोग में थोड़ा ना होगा, रोग रोग के आने पे कष्ट हो रहा है तो रोग के जाने पे कष्ट थोड़ा ना होगा, तो कष्ट बाधा वाली तो चीजें वहां आ गई। अब जो वियोग की बात है वो उन चीजों की जिनसे हमें सुख मिलता है, अनुकूलता प्रतीत होती है, सुविधाएं हैं, उनका ग्रहण होगा। नहीं यूं मिलाएंगे तो तीनों में आ जाएगा। अब भोग ऐसी चीज है वो न तो रोग है और न वहां पर वियोग है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, भोग रहे हैं उसको, लेकिन फिर भी वहां पर दुख आ रहा है तो भोग दे दिया, तो रोग वियोग भोग, रोग भोग वियोग, इसमें सबका अंतर्भाव हो जाता है। और कोई बोले। सूत्र संख्या 3, शास्त्र योनित्वात्। हमने अर्थ किया था आचार्य जी शास्त्र का प्रमाण होने से, हाँ, और इसको केवल इतने तक रखें शास्त्र का कारण होने से। तो शास्त्र योनित्वात का जो ये अर्थ करते हैं कि शास्त्र का कारण होने से, यानी शास्त्र का रचयिता, शास्त्र ज्ञान को देने वाला होने से, होने से नहीं, जो शास्त्र ज्ञान को देता है वैसा वो ब्रह्म, जन्मादस्य यतः, जन्मादस्य यतः शास्त्र योनित्वात। तो शास्त्र योनित्वात में यहाँ हेतु शब्द दिया हुआ है, तो उस दृष्टि से ये व्याख्या उतनी संगत नहीं है, पर अगर इसको कोई ऐसे प्रस्तुत करना चाहे कि कौन सा ब्रह्म जो शास्त्र का कारण है, जो वेद का कारण है, इस तरह से तात्पर्य में लेना चाहे तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे पुष्ट होता है? तो बोले शास्त्र में का कारण होने से भी, शास्त्र का प्रमाण होने से। ये ठीक है, पूछिए। चौथे सूत्र के भाष्य में जो शंकर भाष्य में जो दो दोष बताए थे उसमें से जो पहला जो बताया है वो स्पष्ट नहीं हुआ, वो अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ अभी। पहला जो दोष है वो आधा ही हुआ, अभी भूमिका ही बनी थी। तो देखिए आगे, चौथा सूत्र था तत्तु समन्वयात, इसका अर्थ इन्होंने कर दिया कि समन्वय लोक में भी ये देखा जाता है, लोक से भी समन्वय है कि किसी चीज को बनाने वाला कोई चेतन करता होता है और वो चेतन करता निमित्त कारण होता है, उपादान कारण नहीं होता है, कोई ना कोई चेतन करता होता है। तो अब इसमें जो शंकर भाष्य की विवेचना की जा रही थी कि प्रथम दोष क्या है, तो जो कि समन्वयाधिकरण की स्थापना में पूर्व पक्ष स्थापित किया, क्या किया था, हमने यही वाक्य केवल देखा था पूर्व पक्ष का कि कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्व उच्यते, शास्त्र परमात्मा की सिद्धि में प्रमाण है, ये कैसे आप कह सकते हैं, अर्थात नहीं कह सकते, आक्षेपकर्ता का भाव ये है, क्यों नहीं कह सकते? तो उन्होंने मीमांसा का सूत्र दे दिया, आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, जो आमनाय है वेद है वो क्रिया के लिए है, और आमनाय शब्द का मतलब भी होता है कि जिसका अभ्यास किया जाता है बार 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 अभ्यास के लिए, तो उसके क्रिया वाला होने से उसके उस वो कुछ ना कुछ करने की बात कहेगा, क्रिया का उपदेश करेगा, तो चूंकि वो क्रिया करने के उपदेश देने वाला है, क्रिया के लिए है, तो अनर्थक्यम अतदर्थानम, जो अतदर्थ है अर्थात जो क्रिया के अर्थ नहीं है, ऐसा अर्थ हम वेद मंत्र का लेंगे जहां की क्रिया नहीं आ रही है, तो उसकी वेद मंत्र की अनर्थकता हो जाएगी, क्योंकि वेद तो क्रिया के लिए है, क्रिया के लिए है। और जब आप ये कहोगे कि इस वेद मंत्र से ब्रह्म का पता लगता है, इससे ब्रह्म की, तो इससे ब्रह्म की सिद्धि तो हो जाएगी, लेकिन वो क्रियार्थ तो नहीं हुआ, एक सूचना मात्र हुई। तो ऐसे में तो अगर आप ये कहोगे कि इस वेद के मंत्र से, इन मंत्रों से ब्रह्म की सिद्धि होती है, तो वो मंत्र केवल वेद, वेद के वो मंत्र ब्रह्म की सिद्धि करने वाले होंगे, बस सूचना देने वाले होंगे कि वहां ब्रह्म के बारे में लिखा हुआ है, वो क्रिया के लिए तो नहीं हुए। क्रिया मतलब हमारे को कौन सी क्रिया करनी है, जीवों को, उसके लिए तो हुए नहीं है। तो ऐसा करोगे तो वेद की अनर्थकता का दोष आ जाएगा, इसलिए वेद उसका उसकी सिद्धि में प्रमाण नहीं हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्ष की तरफ से कहा गया। आगे देखिए, यहां तक कल हुआ था, अब आगे देखिए। इति पूर्व पक्षस्तु वेद विषय का उत्थापित है। अब पूर्व पक्षी ने जो प्रश्न रखा है उसका समाधान तो शंकराचार्य जी ने किया ही है, और यहां वो विषय नहीं लिया जा रहा है, अब ये विषय कर रहे हैं कि पूर्व पक्षी ने जो आमनाय शब्द का प्रयोग किया, तो आमनाय तो वेद के लिए आता है। तो पूर्व पक्षी ने इति पूर्व पक्षस्तु वेद विषय का उत्थापित, पूर्व पक्ष जो उठाया, ये पूर्व पक्ष तो शंकराचार्य जी ने ही उठाया, स्वयं ही तो लेखक दोनों पक्षों को उठाता है, तो पूर्व पक्ष तो
वेद विषयक उठाया है, वेद विषयक मतलब आम नायिका है, परंतु समाधानम सूत्र व्याख्याने, लेकिन जब इसका उन्होंने समाधान किया इस सूत्र की व्याख्या में, भाष्य में जो समाधान किया उसमें क्या कहा, ये उदाहरण दिया, सदैव सोमे इदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम, वह एक ही पहले था, सबसे पहले और कुछ नहीं था, अद्वितीय। ये छांदोग्य उपनिषद का वचन दिया है, तो कह रहे हैं इत्यादिनी सर्वाणी उपनिषद वचनानि प्रमाणत्वेन उपस्थाप्य उक्तम, इस ये और ऐसे और बहुत से प्रमाण वहां दिए हैं शंकर भाष्य में, तो वो उपनिषद वाले हैं सारे, वेद का नहीं है, वेद का होना चाहिए था फिर, तो प्रश्न तो वेद विषय को उठाया और समाधान करते समय उपनिषद के वचनों को दिया। तो इन सबको उद्धृत करके क्या कहा, उपे उक्तम यत सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समुपगतानि समनुगतानि, सभी वेदांतों में, अब यहां पर वेद शब्द नहीं, वेदांत लिया है, उपनिषद अर्थ है वेदांत का, तो वो जब आप आमनाय का प्रयोग किया तो यहां पर, और आप वेदांत का अर्थ ले रहे हैं, उपनिषद को ले रहे हैं, तो वेदांतेषु वेदांत में वाक्यानि जो वाक्य हैं वो तात्पर्य से इस अर्थ के प्रतिपादक हैं, ये सब पता लगता है। तो पूर्व पक्षस्तु वेद विषयक है, समाधानम खलु उपनिषद वचन परम, ये दोष दिखाया जा रहा है जो इन्होंने पहले भी बताया था। तो जो जिस तरह का प्रश्न होता है उसके अनुरूप उसी शास्त्र का प्रमाण देना चाहिए, ये बात है, क्योंकि वेद से संबंधित जो समाधान है वो तो हुआ नहीं इसमें, उसका तो उसके बारे में तो बोले नहीं, यही दोष है। हो गया ये, इतना हो गया, आ गया समझ में? जो पूर्व पक्ष की तरफ से ये जो प्रस्तुति हो रही है कि जो वेद हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे अगर वेद को सिर्फ उनका जो अर्थ है मंत्रों का अर्थ सिर्फ ईश्वर की मात्र सिद्धि के लिए किया जाएगा, तो ऐसा सिद्धांत पक्ष ने कहाँ कहा है? ऐसा सिद्धांत पक्ष ने कहा, ये मीमांसा का प्रसंग है ना, मीमांसा के उस वचन को लेकर के ये यहाँ पर कहा गया है, उसकी विवेचना हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो विस्तार से वहां मीमांसा दर्शन में पढ़ेंगे सूत्र को, उसके भाष्य को, यहाँ केवल उसको उद्धृत किया गया है। अभी केवल इतना समझना है कि प्रश्न वेद के विषय में आक्षेप उठवाया था और उत्तर उपनिषद को प्रमाण देते हुए कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आगे अथ अपरो दोषो अयम यद अत्र अधिकरण उत्थापने, दूसरा दोष क्या बता रहे हैं कि यहां पर अधिकरण के उत्थापन में, अधिकरण की, अधिकरण मतलब वो विषय होता है, एक विषय अधिकरण, उसकी भूमिका जो है उसको कहते हैं उत्थानिका या उत्थापन कहते हैं भूमिका, उसमें कहा गया कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम, ये चौथे सूत्र की भूमिका कैसी बनाई कि कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम, क्योंकि तीसरे सूत्र में शास्त्र योनित्वात में कहा गया था कि शास्त्र का प्रमाण होने से, तो कह रहे हैं कि ब्रह्म का शास्त्र प्रमाणकत्व कैसे है, ये शास्त्र ब्रह्म को सिद्ध कैसे करता है, इस पर भी प्रश्न उठा दिया। तीसरे सूत्र में ये कहा गया था कि शास्त्र में यानी वेद में परमात्मा के बारे में कहा गया है, इससे सिद्ध होता है, ठीक है। अब शास्त्र परमात्मा का प्रमाण है, परमात्मा को बताने में प्रमाण है, ये कैसे सिद्ध होगा, अब ये फिर एक और प्रश्न कर दिया, ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम कथम, परमात्मा का के लिए सिद्धि में शास्त्र का प्रमाणकत्व कैसे है, वेद का प्रमाणकत्व कैसे है, यही प्रश्न उठा दिया गया। तो कहते हैं इति तु प्रश्न वैयर्थ्यम एव शंकर भाष्ये, ये प्रश्न तो निरर्थक उठा लिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्यों, यतो हि वेद रूपम शास्त्रम कथम न ब्रह्मणः सिद्धौ प्रमाणम युक्तम, कि वेद जैसा शास्त्र परमात्मा की सिद्धि में प्रमाण क्यों नहीं हो सकता है, कोई कहे वेद का क्या प्रमाण है, भाई क्यों नहीं हो सकता वेद का प्रमाण, इसमें तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। आगे न ही किमपि तद अप्रमाणे कारणम, वेद की अप्रमाणता में कोई कारण नहीं है, यानी वेद के प्रमाण में और किसी को हम प्रमाण पूछने लगे ऐसा नहीं, औरों के प्रमाण के लिए वेद का प्रमाण ले सकते हैं लेकिन वेद के प्रमाण के लिए दूसरों को लेंगे ये ठीक नहीं है। तो ये तो ही वेद रूपम शास्त्रम कथम न ब्रह्मणः सिद्धौ प्रमाणम युक्तम न ही किमपि तद अप्रमाणे कारणम तत्तु सूर्यवत स्वतः प्रमाणम, प्रमाणम छप गया है प्रमाणम, ठीक कर लीजिए,
वो तो सूर्य के समान स्वतः प्रमाण है, स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण। ये जो बात आती है कि सूर्य को देखने के लिए हमें और किसी सूर्य की आवश्यकता नहीं है, दीपक आदि टॉर्च आदि जलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वतः प्रकाशमान है, ऐसी दीपक है, दीपक की लौ है, उसको देखने के लिए, बल्ब को देखने के लिए किसी और बल्ब को जलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनका स्वतः प्रकाश निकलता है। जिन वस्तुओं का स्वतः प्रकाश नहीं होता उनको देखने के लिए हमें अन्य अग्नि आदि प्रकाश की साधनों की आवश्यकता होती है। तो वेद तो स्वतः प्रमाण है, उसकी पुष्टि के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आगे तो तत्सूर्यवत स्वतः प्रमाणम नान्यम प्रमाणम अपेक्षते, दूसरे प्रमाण की अपेक्षा रखता ही नहीं है। लेकिन इनको और थोड़ी चर्चा करनी है। तो कहा दुर्जन तोष न्याय न प्रश्न स्यादपि, मान भी न कि ऐसा प्रश्न हो भी जाए तो भी, इसको न्याय की भाषा में कहेंगे अभ्युपगम से, चलो मान लिया कि यह प्रश्न है तो भी। वैसे पहला तो कथन कर ही दिया कि इस तरह के प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठेगा, लेकिन अगर उठ भी जाए तो अभ्युपगम को ही यहां पर दुर्जन तोष न्याय कहा। दुर्जन मतलब जो दुष्ट है, और दुष्ट का मतलब दुर्जन मतलब ऐसा नहीं है कि जो ऐसा पापी है और वैसा दुर्जन की बात है, क्योंकि हम दुर्जन तो बहुत गलत अर्थ में लेते हैं, मतलब जो ठीक नहीं है वैसे ही जिसने कुछ गलत बोल दिया है ऐसे उसको दुर्जन बोल दिया है यहाँ पर। तोष मतलब उसके उसकी प्रसन्नता के लिए, ऐसे उस भाई चलो ठीक है वो उसको भी प्रसन्नता होगी, वो उसको शांति रहे, मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहा, अच्छा चलो मान भी लिया, तो अब उसको संतुष्ट करने के लिए प्रश्न अगर उठा भी लिया जाए इसको कहते हैं दुर्जन तोष न्याय। अब दुर्जन तोष न्याय तो गलत होता है, भाई दुर्जन किसी को कहे, और कई बार दूसरे को दुर्जन कहना होता है द्वेष से, तो जानबूझ के बोलते हैं कि दुर्जन तोष न्याय से। अब जैसे ही बोला दुर्जन तोष न्याय तो दूसरा सोचेगा अच्छा मेरे को दुर्जन कह रहे, मेरे को ही तो संतुष्ट करना चाहते हो मेरे को दुर्जन कह रहे हो। तो फिर उदयवीर जी ने इसमें संशोधन किया, वो लिखते हैं सुजन तोष न्याय, दुर्जन की जगह पे सुजन तोष न्याय, उनके आप देखना कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा वो सुजन तोष न्याय लिखते हैं। तो आप सुजन हो, सज्जन हो, आपकी आपको संतुष्ट करने के लिए अच्छे व्यक्ति हैं, आपको संतुष्ट करना चाहिए। चलो तो अगर ये प्रश्न हो भी तरही तत्तु समन्वयात, ये जो सूत्र है चौथा, सूत्रम लक्ष्य कृत्य उपनिषद वचनेशु ब्रह्म वर्णन समन्वयो अस्ति इति कथनम तु आम्रान पृष्ठ कोविदारान आचष्टे इतिवत उपहास योग्यम। तो तत्व समन्वयात इस सूत्र को लक्षित करके भी अगर आप ये प्रश्न उठाएं भी तो इन वचनों में उपनिषद के वचन में ब्रह्म के वर्णन का समन्वय है ये कथन करना, तो समन्वय कहां दिखाएंगे, ये उपनिषद के वचनों में इसका समन्वय है। कोई कहेगी वेद को प्रमाण करने के लिए इनका प्रमाण दिया जा रहा है, तो ये समन्वय तो लौकिक अनुमान की दृष्टि से कहा जा रहा है। वेद की प्रमाणिकता किससे, वेद की प्रमाणिकता के लिए उपनिषद का वचन दे दिया। तो ये जो है आम के बारे में पूछा था और कचनार के बारे में कहने लगे उसके समान ये हे है उपहास के योग्य है। नहीं कारण बता रहे हैं आगे, नहीं खलु आगम सदृशे न शब्द प्रमाणे न ब्रह्मणो जगत जन्मादि हेतुत्व सिद्धौ पुनः अन्य प्रमाण प्रमाणत्वेन समन्वयात। आगम के सदृश शब्द प्रमाण के द्वारा परमात्मा के जगत की उत्पत्ति स्थिति आदि की सिद्धि में, हेतुत्व की सिद्धि में कोई अन्य शब्द प्रमाण रूप में समन्वित हो जाए, उचितम न समन्वयात, उचितम वास्यात, न उचितम स्यात, वो उचित नहीं हो सकता है। समन्वयात मतलब ये विधि लिंग में का प्रयोग कर किया गया है, अन्वित हो जाए। किंतु तदानीम तो युक्ति समन्वय एव उचिताई थी, समन्वय भी करना है तो वहां युक्ति से समन्वय होगा कि भाई वेद में यह कहा गया है, देखो इसको संसार में भी ऐसा ही मिलता है, ऐसा मान रहे हैं ऐसा वहां भी, ये समन्वय तो ठीक है, लेकिन अन्य शास्त्रों का उद्धरण करने लगे ये समन्वय ठीक नहीं है। तो किंतु तदानीम तो युक्ति समन्वय एव उचितम भवती युक्तिया एव तस्य संपोषणम क्रियते, युक्ति के द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है, यथा अस्माभिर युक्तः युक्ति ही प्रदर्शिता थी, जैसे हमने ऊपर युक्ति दी थी कि लोक में ऐसा देखा जाता है, ये समन्वय तो ठीक है लेकिन उपनिषद का समन्वय तो वेद के संबंध में ठीक नहीं है। आगे देखिए,
शास्त्र योनित्वात् तत्तु समन्वयातिति, इन दो सूत्रों को उद्धृत किया, इति सूत्रयोः आगमानुमानाभ्याम जगतो जन्मादि कृत्यस्य प्रवर्तयित्री कारणम ब्रह्म परमात्मा इति तु गतम। भाई इन दो सूत्रों से हमने ये तो जान लिया, ये सूत्र कैसे थे, शास्त्र योनित्वात् आगम का था और तत्तु समन्वयाति अनुमान का था, प्रत्यक्ष तो इसमें हो नहीं सकता है। तो इन दोनों प्रमाणों से जगत के जन्मादि करने वाले का प्रवर्तयिता जो है, उसका प्रवृत्ति करने वाला या प्रवर्तन करने वाला जो है कारण ब्रह्म परमात्मा है, ये तो गतम जान लिया गया, समझ में आ गया। किंतु तत्कारणम, कारण तो है लेकिन वो कारण किम कथन जातीयकम, वो कारण कौन सा है, कथन जातीयकम स्यात्, संदेह किसमें है, निमित्त कारणम आहोस्वित उपादान कारणम, वो कारण निमित्त कारण है या उपादान कारण है, ये तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ। ईश्वर ब्रह्म जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में कारण है, तो कौन सा कारण है, इसमें कारणता का हेतु दे दिया भाई शास्त्र कारण है, समन्वय से दे दिया भाई लोक में भी ऐसा देखा जाता है कि चेतन करता होता है, लेकिन वो कारण कौन सा है, निमित्त कारण है उपादान कारण है, इस विषय में तो अभी निर्णय नहीं हुआ। तो तदत्र उच्यते, इस विषय में सूत्रकार कुछ और कहना चाहते हैं। तो पांचवा सूत्र है, ईक्षते, ईक्षतेर ना शब्दम, ना शब्दम, ईक्षते ईक्षण क्रिया, ईक्षण क्रिया, तो भाष्य देखिए, ईक्षण क्रियाया प्रवर्तकत्वात् कर्तृत्वात् ब्रह्म परमात्मा जगतो निमित्त कारणम अस्ति, अल्पविराम, ईक्षण क्रिया का प्रवर्तक होने से, प्रेरणा है, ईक्षण है, प्रेरणा है, इच्छा है, इसका प्रवर्तक होने से, कर्ता होने से ब्रह्म यानी परमात्मा जगतो निमित्त कारणम, जगत का निमित्त कारण है, न तो उपादानम, उपादान कारण नहीं है। यहां पर ब्रह्म के आगे जो परमात्मा लिखा है वो ब्रह्म को ही खोला है स्पष्टता के लिए, और परमात्मा और जगत इसको जोड़ा हुआ है, इसको अलग अलग कर लीजिए, ब्रह्म परमात्मा और इसमें विभाजन के लिए जुड़ गया है गलती से। क्यों है ऐसा, वो निमित्त कारण ही क्यों है, उपादान कारण क्यों नहीं है, यतो ही ईक्षण क्रियायाश चेतने संभवात, ईक्षण क्रिया चेतन में ही हो सकती है, इच्छा है, प्रेरण है, ये चेतन में ही हो सकती है, इसलिए वो चेतन है। ईक्षण क्रिया से हमें पता लगा कि वो चेतन है, और चेतन होने से हमें पता लग गया कि ये उपादान कारण नहीं हो सकता, ये निमित्त कारण ही हो सकता है। ईक्षण क्रियायाश चेतने संभवात, ईक्षण क्रिया चेतन में ही संभव है, और चेतनम ही निमित्त कारणत्वम भजते नो उपादानत्वम, ये सिद्धांत दे दिया कि चेतन कभी भी उपादान कारण नहीं होता, निमित्त कारण ही होता है। इसके अंदर कई बार ये मन में प्रश्न उठता है, ये जो हमारा शरीर है इसका उपादान कारण क्या क्या है, वे पांच भूत हैं, तीन हैं, एक है, दो है, ये कुछ चर्चा चलती है न्याय दर्शन में भी, वैशेषिक में भी आती है, सांख्य में भी आती है, इनको तो उपादान मान लिया, चलो सूक्ष्म शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, ये सब चीजें आ गई, अगर केवल ये हो तो हम इनको शरीर नहीं कह सकते, चेतन शरीर जैसे, तो क्या आत्मा भी तो इसमें उपादान कारण है, आत्मा भी उपादान कारण है, एक मन में बात आती है। तो इसका निराकरण सांख्य दर्शन में भी किया गया है कि आत्मा कभी भी इसका उपादान कारण नहीं है, इस शरीर का, आत्मा के कारण से इसमें चेतनता है, हम सक्रिय होते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन चेतन कभी भी उपादान कारण नहीं होता, ये उन्होंने वहां भी सिद्ध किया, पुष्ट किया उस बात को, उसी हेतु को यहां पर ये ग्रहण कर रहे हैं कि परमात्मा चेतन है, ईक्षण क्रिया है इसलिए चेतन है, और चेतन है इसलिए वो उपादान कारण नहीं हो सकता, वो निमित्त कारण नहीं हो सकता है, ये सिद्धांत दिया। इसका व्यभिचार दिखाएं कोई कि देखो यहां चेतन भी उपादान कारण हो रहा है, जो जो उपादान कारण होता है वो जड़ होता है, जो चेतन होता है वो उपादान कारण नहीं होता। तो हमारे हम ज्यादा से ज्यादा शरीर आदि के लिए कह सकते हैं कि देखो इसमें चेतन है और वो उपादान कारण है, तो शरीर का उपादान कारण नहीं बनता है चेतन, उपादान कारण अन्वित होते हुए जाता है। तो शरीर तो पहले भी रहता है, बाद में भी रहता है, यानी मृत्यु के बाद भी रहता है, चेतन नहीं हो सकता। तो ईक्षते है, अब इसके लिए आगे कह रहे हैं न अशब्दम, ना शब्दम है न अशब्दम,
और ये जो ईक्षण शब्द है ये अशब्दम नहीं है, शब्द प्रमाण से रहित नहीं है, अर्थात परमात्मा के बारे में ईक्षण क्रिया का कथन शास्त्रों में मिलता है, शब्द प्रमाण में मिलता है, न अशब्दम। खोल रहे हैं, ईक्षण क्रिया पूर्वकम जगत जन्मादि वृत्तम न शब्द प्रमाण रहितम। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि ईक्षण क्रिया से युक्त है, इस विषय में शब्द प्रमाण की रहितता नहीं है, शब्द प्रमाण से ये युक्त है, किंतु तत् शब्द प्रमाण सिद्धम, शब्द प्रमाण से वो सिद्ध होते हैं। तद्यथा, अब प्रमाण दे रहे स ईक्षत लोकानुसृजा इति, स ईक्षत उसने ईक्षण किया, ईक्षण क्रिया का कथन आ गया। स ईक्षत उसने पहले इच्छा की, कामना की, क्या कामना की, लोकानुसृजई इति, मैं लोकों को बनाऊं, इन विविध लोकों को मैं बनाऊं, ये उसने इच्छा की। किसी भी क्रिया के पहले इच्छा तो होगी, बिना इच्छा के क्रिया नहीं होती, कोई निर्माण कार्य नहीं होता। तो परमात्मा ने जब इतनी सृष्टि बनाई, इतनी बड़ी सृष्टि, अद्भुत सृष्टि बनाई, तो इच्छा तो उसने की। ये प्रश्न भी बहुत बार आता रहता है कि परमात्मा में इच्छा है या नहीं है, तो जिसमें इच्छाएं होती हैं वो तो दुखी होता रहता है, सत्संगों में सुना जाता है ना, हमारे दुखों का कारण क्या है, हमारी इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण है, खूब इस पर प्रवचन, इसलिए इच्छाएं छोड़ो, कामनाएं छोड़ो। किसी ने छोड़ी है अभी तक सारी इच्छाएं, छोड़ पाया है कोई, इच्छाएं छोड़ो, और दुखों का कारण इच्छाएं, इच्छाएं छोड़ दो तो बस पूरा अध्यात्म उतर जाएगा हमारे अंदर, कामना ही तो दुख का मूल है, इच्छाएं तो दुख का मूल है। तो बोले कामना है इच्छा, तो भाई परमात्मा की इच्छा है तो फिर तो वो भी बंधन में आएगा, वो भी दुखी होगा, जैसे हम दुखी हो जाते हैं इच्छाओं से, कामनाओं से। तो इच्छाएं कब दुख का कारण बनती हैं, क्या हमारी हर इच्छा दुख का कारण बनती है, जो इच्छा गलत हो उसके गलत परिणाम आए वो दुख का कारण बनती है, जो इच्छा हम अपनी शक्ति सामर्थ्य का ठीक आकलन ना करके कर लेते हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं जो हम पूरी नहीं कर सकते, और फिर वहां जब असफल होते हैं, जब उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो दुख होता है। इच्छा विघाता चेतसा क्षोभ, इच्छा के विघात होने से चित्त में जो क्षोभ आता है, दौर्मनस्य होता है, दुख होता है। तो परमात्मा जितनी उसकी सामर्थ्य है उतनी ही इच्छा करता है, वो अपनी इच्छाओं को पूरा भी कर लेता है, वो ऐसी इच्छा नहीं करता जो कि पूरी नहीं होती है। मनुष्य इतने गलत कार्य करते रहते हैं, वेद का अनुसरण नहीं करते, अधर्म करते रहते हैं, वेद के ईश्वर की आज्ञा का पूरा पालन नहीं करते हैं, तो इससे परमात्मा दुखी होगा। यदि उसकी ये इच्छा है, इस रूप में इच्छा है कि ये होना ही चाहिए, इससे मेरे को सुख मिलेगा, अच्छा होगा, तो चूंकि परमात्मा का कोई प्रयोजन नहीं है इस इच्छा में व्यक्तिगत, और वो इच्छा करता है जो संभव है, बाकी वो इच्छा ही नहीं करता है, तो दुखी नहीं होगा। अपने लिए कोई इच्छा नहीं है और वो अपनी सामर्थ्य के अनुरूप ही करता है, इसलिए कभी इच्छा उसकी दुखी नहीं होता। और कई जने इसका ये भी उत्तर देते हैं कि परमात्मा की इच्छा को, कामना को हमारी इच्छा कामना के जैसा नहीं कहें, उसके लिए तो उपनिषदों में ईक्षण शब्द का प्रयोग किया, ये ईक्षते वाला उसका प्रयोग किया गया, ये अलग तरह की इच्छा है, अलग तरह की कामना है, अविद्या से रहित है, तो उसको कोई दुख नहीं होता और वो इसके कारण बंधन में नहीं आता। तो स ईक्षत लोकानु सृजयति, तो ईक्षण शब्द तो आया है, ये अशब्द नहीं, शास्त्र में उल्लेख नहीं है, ऐसा नहीं, शास्त्र में उसका उल्लेख है, और ईक्षण शब्द का शास्त्र में उल्लेख है, शब्द प्रमाण से सिद्ध है। ईक्षण केवल चेतन में होता है और चेतन कभी भी उपादान कारण नहीं होता, लेकिन कारण तो है, निमित्त कारण है, इससे सिद्ध हो गया। अब इसके लिए और पूर्व पक्ष कोई उठा सकता है कि आपने कहा कि चेतन ही इच्छा करता है और आपने इच्छा के लिए शब्द प्रमाण दिया, तो बोले हम ऐसे प्रमाण दे देते हैं जहां पर जड़ वस्तुओं की भी इच्छा लिखी हुई है आपके इन्हीं शास्त्रों के अंदर। सूत्र देखिए, गौणश्चेत न आत्मशब्दात्। अगर कोई कहे कि ये जो ईक्षण शब्द है ये तो गौण रूप से प्रयोग किया गया है, इसका चेतनता से क्या लेना देना, क्योंकि वो अभी वचन बताएंगे भाष्यकार कि देखो ईक्षण शब्द इनके लिए आया है जबकि वो चेतन नहीं है, फिर उनके लिए ईक्षण शब्द का प्रयोग क्यों कर दिया गया,
बोले गौण प्रयोग है, दीवार गिरना चाहती है, बोलते ऐसा बोल देते हैं कि दीवार गिरना चाहती है, और कहां बोल देते हैं जड़ वस्तुओं के लिए हम, चाहना का प्रयोग हम भाषा में भी, ये अब ये पानी पिघलना चाहता है, बर्फ पिघलना चाहती है, इस तरह के प्रयोग हो जाते हैं बहुत सी जगह चाहना अर्थ में, वास्तव में तो वो चाहता नहीं है। ऐसी जगह पे हम कहते हैं कि ये गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है। बिजली जाना चाहती है, ट्यूबलाइट बुझना चाहती है, ऐसे कोई हम कहीं कहीं प्रयोग कर देते हैं जड़ वस्तुओं के अंदर भी। अभी ये तो प्रचलित नहीं है, कुछ प्रचलित उदाहरण भी होंगे जो हम लोग बोलते रहते हैं, इन्होंने शब्द प्रमाण को दिया है। हाँ बोलो, पानी बहना चाहता है, नहीं ऐसे ये ऐसे प्रयोग बोलो जो कि हम व्यवहार में करते हैं, है? गाड़ी चलना चाहती है, चलने को तैयार है, आना चाह रही, अपने आप फिसल करके आ रही हो, जैसे कि भले बस ये तो गिरना ही चाह रही है बिल्कुल ऐसे। तो इन्होंने कहा शब्द प्रमाण में भी ऐसे प्रयोग आते हैं शास्त्रों के अंदर, तो वहां हम मुख्य प्रयोग नहीं मानते हैं उसको, उसको गौण प्रयोग मानते हैं। तो ब्रह्म के बारे में भी जो कथन किया गया स ईक्षता, इसको भी गौण प्रयोग मान सकते हैं। हाँ, इसको आप मुख्य प्रयोग मानोगे तो इसको चेतन मानना पड़ेगा, इसको भी गौण प्रयोग मान लेंगे तो कोई बात नहीं है। स ईक्षता, उसने इच्छा की तो गौण प्रयोग हो गया, तो इसी को लेकर के कहा तो गौणश्चेत। तो अगर ऐसा कोई कहे तो ना, ये कथन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर आत्मशब्दा, तो उस प्रसंग में आत्मशब्द भी पढ़ा हुआ है, इससे हमें पक्का हो जाता है ये चेतन का ही है, अब गौण का दोष नहीं लगा सकते। भाष्य देखिए, गौण चेत, यदि कोई कहे कि ये तो गौण प्रयोग है, ऊपर जो कहा स ईक्षत है, ये तो गौण प्रयोग है, तो गौण प्रयोग ईक्षण क्रियाया क्वचित दृश्यते, ईक्षण क्रिया का कुछ अन्य जगह प्रयोग हो जाता है। तत्तेज ऐक्षता, उस तेज ने इच्छा की, तेज मतलब अग्नि ने, ता आपा ऐक्षणता, जलों ने इच्छा की, इच्छांदोग्य के वचन है। तो तद्वत ब्रह्मणी गौण प्रयोगम ईक्षण क्रियाया मत्वा ब्रह्म न निमित्तम कारणम जड़वत उपादानम स्याद इति केनचित कल्प्यते चेतर ही। तो ब्रह्म में भी ये गौण प्रयोग है ईक्षण क्रिया का, पीछे जो वचन था स ईक्षता लोकानुसृजा इति, इसके संदर्भ में, और ये चूंकि गौण प्रयोग है इसलिए ब्रह्म निमित्त कारण नहीं है, वो जड़ के समान उपादान कारण हो जाए, ऐसा यदि कोई दोष बताए तो, यह गौणश्चेत इसकी व्याख्या, ऐसा कोई कहे तो न नैवम कल्पयितुं शक्यते, ऐसा आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कुतः, तो हेतु दिया आत्मशब्दात, आत्मशब्द के होने से, यहां पर आत्मशब्द कहा गया है। कैसे? तत्र लोक सर्जन प्रकरणे, ये जो लोक की संसार की सृष्टि हुई है उसका जो वचन है वहां पर स्पष्टम ही पठ्यते एव आत्मशब्द, वहां आत्मशब्द स्पष्ट पढ़ा गया है। कैसे? तो वचन जो पीछे वचन था स ईक्षत लोकानुसृजा इति, उससे ही जुड़ा हुआ पहले का वचन पूरा इन्होंने लंबा करके बता दिया। बोले केवल टुकड़े को लेकर के क्यों देख रहे हो, पूरा देखो वहां क्या लिखा है। तो वहां क्या है? आत्मा व इदम अग्र आसीत, पहले केवल आत्मा था, न अन्यत किंचन मिशत, और कोई वहां पर क्रियाशील नहीं था, आत्मा ही था, मतलब आत्मा ही सक्रिय था और कुछ सक्रिय नहीं था, न अन्यत किंचन मिशत, स ईक्षत लोकानुसृजा इति, उसने इच्छा की, ये स ईक्षत लोकानुसृजा इति, इतना सांश पहले लिया था, तो स इमान लोकान असृजता, उसने इन लोकों को बनाया, ये ऐतरेय का वचन हो गया। तो चूंकि यहां आत्मा शब्द आया है तो अब कह रहे हैं आत्मा ही चेतनो भवति, आत्मा तो हमेशा चेतन ही होता है, तस्मात चेतन स्वरूपत्वात् ब्रह्म निमित्त कारणम जगतो नो उपादानम, इसलिए चेतन स्वरूप होने से ब्रह्म निमित्त कारण ही हो सकता है, जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता है। अब ये जो कहा स ईक्षता, यहां पर यह गौण प्रयोग नहीं माना जा सकता, ये तो किसी जड़ के लिए कहा गया होगा, गौण प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा शब्द है, आत्मा हमेशा चेतन के लिए ही आता है। और अगर कोई ज्यादा भी करता है कि ये सब गौण प्रयोग है तो बोले मुख्य प्रयोग कहां होगा, उन्हीं से पूछेंगे मुख्य प्रयोग कहां पर होगा, गौण प्रयोग तो तब कथन करेंगे जब मुख्य प्रयोग भी कहीं होता होगा, और कहां होता है मुख्य प्रयोग,
चेतनमय होगा, तो इसका मतलब है वो खुद स्वीकार कर लेगा कि चेतन के संदर्भ में ही ईक्षण शब्द का वास्तविक प्रयोग है, मुख्य प्रयोग मतलब वास्तविक प्रयोग चेतन के संदर्भ में ही होगा, ये खुद अपने मुंह से बोल देगा। तो बोले ब्रह्म तो चेतन ही है, जो ब्रह्म है जो सृष्टि की रचना करता है वो चेतन ही है, और ये ईक्षण शब्द है आत्मा होने से चेतन के लिए। आगे इसी बात की पुष्टि के लिए अब और कह रहे हैं, देखिए ये इतना बड़ा मुद्दा है कि ब्रह्म इस जगत का कारण तो है लेकिन वो निमित्त कारण है या उपादान कारण है, इसकी पुष्टि में ये कहा। आगे और कहते हैं सातवां सूत्र, तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, उस परमात्मा में जो निष्ठ है उसमें श्रद्धा रखता है उसमें स्थित हो गया है, उसी के मोक्ष के उपदेश का कथन होने से, ये तो शब्दार्थ हुआ, भाष्य में और स्पष्ट होगा। तन्निष्ठस्य, तो तन्निष्ठस्य में तत् जो लिखा हुआ है उसको इन्होंने तस्मिन शब्द से खोला, यानी सप्तमी यहां पर है तस्मिन, और वो कौन है तस्मिन, कौन है उसमें, ये भी सर्वनाम है तो इन्होंने खोल दिया ब्रह्मात्मनि, ब्रह्म आत्मा में, अकेला आत्मा नहीं ब्रह्मात्मा, ताकि परमात्मा अर्थ ही आए। ब्रह्मात्मनि निष्ठा यस्य, निष्ठा है विश्वास है श्रद्धा है जिसकी, सोयम तन्निष्ठो ब्रह्मनिष्ठो, वो ये ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है, कौन, मुमुक्षु व्यक्ति, मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। तस्य ब्रह्मात्मनिष्ठस्य ब्रह्मात्मवेतुः, ब्रह्मात्मवेतुः, तो वो जो परमात्मा में जो निष्ठ है जो परमात्मा को जानता है उसके मोक्षोपदेशात अर्थात मोक्षस्य उपदेशो अस्ति, मोक्ष का उपदेश है। ये समस्त पद आते हैं उसको ये खोल देते हैं विग्रह करके, उससे अर्थ पता लग जाता है। तद्यथा, तो उसके मोक्ष का उपदेश कैसे किया गया, तो उसका उल्लेख है कि अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चन ऊनः कुतश्चनोनः तमेव विद्वान न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम अजरम युवानम, ये अथर्वेद का मंत्र है। तो इसमें क्या कहा गया कि वो परमात्मा कैसा है, अकामः, कामनाओं से रहित है। अब यह स ईक्षत है, वहां भी इच्छा की उसने, ईक्षण किया, और यह कामनाओं से रहित है, तो मतलब अपनी कामनाओं से रहित है, ये यहां पर स्पष्ट होगा। अकामः, अपनी कोई कामना नहीं है, धीर है, धीर है, धैर्य वाला है, बहुत धैर्य है परमात्मा में, परमात्मा से अधिक धैर्य किसी में नहीं है। परमात्मा में क्या धैर्य है, परमात्मा में क्या धैर्य है, इतना उत्पात मचा रहे हैं तो भी उद्विग्न नहीं होता है, और हम कितना भी करते रहे कितना भी करते रहे वो फिर जन्म देता रहता है, फिर जन्म देता रहता है, फिर अवसर देता रहता है नहीं ये धैर्य नहीं है, नहीं तो दो तीन बार कोई नहीं करे तो बोले नहीं चल जा तेरे को नहीं मैं देखता, तेरे को सहयोग नहीं करता, मैं तेरे को जन्म नहीं देता, इतने जन्म दे दिए कर ही नहीं रहा, मैं तेरे को जन्म ही नहीं दूंगा, ऐसा वो कभी नहीं कहता, कभी नहीं करता, इतना धैर्य है अनंत, कोई बात नहीं फिर अगला जन्म ले लो, फिर अवसर है, पिता की तरह से चलो और एक अवसर और ले लो, एक अवसर और ले लो माँ की तरह से, और वो भी कहीं जाकर के धैर्य उनका चूक जाता है, उसका धैर्य अनंत है, चलता रहता है, चलता रहता है। अकामो धीर अमृत, मृत्यु से परे है, स्वयंभू, अपने आप में स्थित है, कोई दूसरा उसका बनाने वाला नहीं है, अपने आप में स्थित है स्वयंभू। एक स्वयंभू शब्द निंदित अर्थ में भी आता है, नहीं बोले स्वयंभू राजा बन गया है, मान न मान वो खुद ही जो बन जाता है ना, और कोई इतने तो बनाया नहीं, मान लो सभा चल रही है और आके मंच पे बैठ जाए बोले मैं इसकी अध्यक्षता अपने आप ही बन के बैठ जाए, ये स्वयंभू होगा, कोई राजा बन गया अपने आप ही बन गया, मैं राजा हूं तुम्हारा सबका, तो ये निंदित अर्थ में नहीं है, यह तात्पर्य है कि वो किसी दूसरे के द्वारा नियुक्त नहीं है, वो तो चूंकि इतना योग्य है इसलिए उस रूप में यहां पर अच्छे अर्थ में स्वयंभू। रसेन तृप्तो न कुतश्चन ऊना, वो रस से तृप्त है, रस मतलब सुख आनंद से तृप्त है, रसो वैसा, तो रसेन तृप्तो न कुतश्चन ऊना, और वो कहीं से भी कम नहीं है, ऊन होता है ना, न्यून होता है, न्यून नी ऊन न्यून ऊना, हम 19 बोलते हैं 19 बोलते हैं, एकोनविंशति बोलते हैं, 20 में एक कम, अब गांव वाले बोले ना कि 20 में एक कम तो कहें ये पढ़ा लिखा नहीं है,
जोड़ो उसको, बोले 15, 16, 17, 18 कितने हुए, अब वो 19 तो बोल नहीं सकता है, और वो 45 है उसको पता नहीं लगता, वो कहते हैं 50 में 5 कम। तो ऐसा अपनी शिष्ट भाषा में भी बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बोलते हैं, संस्कृत में भी बोलते हैं, उसमें हम नहीं कहते कि पढ़ा लिखा नहीं है, उनको कहते हैं भाई पढ़ा लिखे नहीं है, बोले 20 में 1 कम। तो न कुतश्चन ऊना, ऊन मतलब न्यून, तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु, उसको जानने वाला, उसको ही जानने वाला न विभाय मृत्यु, मृत्यु से डरता नहीं है। बाकी सब मृत्यु से डरेंगे, डर लगेगा उनको कुछ ना कुछ दोष का, जो परमात्मा को जान लिया है तो मृत्यु से नहीं डरेगा, निर्भय हो जाएगा। तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु, और वो कैसा है, उसको आत्मानम धीरम अजरम युवानम, तम आत्मानम धीरम अजरम युवानम, उसी आत्मा को, तम का मतलब आत्मानम, या आत्मा शब्द पर विशेष केंद्रित करना चाहते हैं, बाकी तो विशेषण है, इन्होंने जिस ढंग से प्रस्तुत किया वो आत्मा पर केंद्रित है। धीरम जो कि धीर है, अजर है जो कि वृद्ध नहीं होता है सदा, युवानम जो कि युवा रहता है, जीर्ण क्षीण नहीं होता, युवा रहता है, ऐसे उस परमात्मा को पा करके डर नहीं लगता है। इति अत्र आत्मानं ब्रह्मात्मानं विद्वांसन मृत्योर न बिभेति, वह लिख दिए मैं आ गया, वह कर लीजिए इसको, बिभेति इत्युक्तम, उस आत्मा को यानी ब्रह्मात्मा को जानने जानता हुआ विद्वांसन मृत्योर न बिभेति, मृत्यु से भयभीत नहीं होता, ये यहां पर कहा गया। तो आत्मानं मतलब चेतन के लिए कथन कर दिया गया। अब यहां एक बात और ध्यान देने की है कि एक विशेषण यहां पर दो बार आया है परमात्मा के लिए, धीर शब्द, धीर शब्द दो बार आया है, पहले तो सामान्य वर्णन किया, फिर तम धीरम दो बार आया है, और धर्म के 10 लक्षणों में सबसे पहला धृति, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, तो धृति धीर ये सबसे पहले है, और धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, और धैर्य भी सबसे पहले है, धैर्य जिसका पिता है, योगी के जो परिवारजन होते हैं वो धैर्य सबसे बड़ा गुण है, धैर्य बहुत रखना पड़ता है, और ये धीर वीर है परमात्मा। अगला उदाहरण दे रहे हैं, परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि संविवेश, यजुर्वेद का है 32वें अध्याय का 11वां मंत्र। तो परित्य भूतानि, परि इत्य सब ओर से आकर के, सब प्राणियों को, भूतों को, और सब परित्य लोकान सब लोकों को घेर के, परित्य सर्वः प्रदिशो दिशश्च और सभी दिशाओं और उपदिशाओं को घेर के, सब स्थानों पर, यानी इसकी व्यापकता बताई जा रही है। उपस्थाय प्रथमजाम ऋतस्य, ऋत मतलब सत्य, उसके ऋत के सत्य के, प्रथमजाम के लिए महर्षि ने वाक्य भाष्य किया है, वेद को जो प्रथम उत्पन्न हुआ, वेद प्रथमजाम उसको ग्रहण करके प्राप्त करके, आत्मना आत्मानम अभिसंविशेषा, आत्मना यानी आत्मा के द्वारा, आत्मानम यानी आत्मा को या आत्मा में, अभिसंविशेष पूरी तरह से प्रविष्ट हो गया है। तो आत्मा, पहला जो आत्मा है आत्मना, उसका मतलब है जीवात्मा, और दूसरा जो है आत्मानम वो है परमात्मा ब्रह्म, आत्मा के द्वारा परमात्मा को जानता है, उसका आनंद लेता है। तो अत्रापि ब्रह्मात्मनि स्वात्माभिनिवेश उक्ता, ब्रह्म आत्मा में यानी दूसरा जो आत्मा था उसमें, और स्वात्मा यानी जीवात्मा का अभी निवेश कहा गया, यानी उसमें ठहरना, उसमें रुकना, उसका आनंद लेना, ये कहा गया है। अन्यच और देखिए, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, जो नित्यों में नित्य है, सब नित्यों में, चेतनों में भी जो विशेष चेतन है, और जो अकेला ही बहुतों को कामनाओं को पूरा करता है, जो अकेला परमात्मा बहुतों की कामनाओं को पूरा करता है यानी जीवों की, तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, जो धीर वीर व्यक्ति उसको अपनी आत्मा के अंदर देख लेते हैं कि ये मेरे में अंदर भी है वही परमात्मा, ये अनुपश्यन्ति धीरा, तेषां शांति ही शाश्वती नेतरेषां, उनकी शांति सदा रहने वाली होती है, शाश्वत होती है, और न इतरे शाम दूसरों की नहीं होती, दूसरे तो थोड़ी देर शांत रहते हैं फिर अशांत हो जाते हैं। तो अत्रापि चेतन दर्शनेन शाश्वती शांति प्राप्यते इति स्पष्टीकृतम्, चेतन के दर्शन से, ये जो चेतनश्चेतना नाम है उसके दर्शन से
उसको जानने से शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। इन सब उदाहरणों में ये आत्मा चेतन इस सब का ग्रहण कर रहे हैं। तो तस्मात ब्रह्म निमित्त कारणम जगत न उपादान कारणम, जो परमात्मा है वो चेतन है और चेतन है तो वो निमित्त कारण ही हो सकता है, उपादान कारण नहीं हो सकता है। हो गया। आगे देखिए आठवां सूत्र, हेयत्व अवचनाच्च, और इसी की पुष्टि में कह रहे हैं कि परमात्मा के हेयत्व का वचन न होने से, कि त्याज्य है, हेय है, इसका एक भी वचन शास्त्र में नहीं मिलता है। परमात्मा ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है, इसके तो वचन मिलते हैं, लेकिन हेय है ऐसा कोई वचन उपलब्ध न होने से भी। भाष्य देखिए, अपिच ब्रह्मात्मा न क्वचिदपि हेय पक्षे निर्दिष्ट, किसी भी शास्त्र में परमात्मा हेय पक्ष में नहीं कहा गया। जैसे योग दर्शन में हे 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 तुहान हानोपाय आता है, त्याज्य नैव तस्य त्यज्यत्वं प्रतिपादितम्, उसका छोड़नापन कहीं भी प्रतिपादित नहीं किया है, किंतु सर्वत्र तस्य उपादा उपादेयत्वं एव विहितं विद्यते, वो ग्रहण करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य, यही सब जगह पर कहा गया है। तद्यथा, जैसे कि स आत्मा स विज्ञेय, वो आत्मा है परमात्मा, वो जानने योग्य है। मांडुक्य उपनिषद, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य, बृहदारण्यक उपनिषद, आत्मा को जानना चाहिए, देखना चाहिए, मनन करना चाहिए। तस्य चेतनत्वात् सर्वांतरत्वात् न हेयत्वम् यतश्च ब्रह्मात्मा स्वात्म सजातीयः, उस परमात्मा का हेयत्व क्यों नहीं है कि चेतन होने से वो सबके अंदर वैसे ही विद्यमान है, हम उसको छोड़ ही नहीं सकते, इसको हे में नहीं रखा है। परमात्मा और हमारा सजातीय है, चेतन है हमारा, उसको हम नहीं छोड़ते। यथा च उक्तम, जैसा कि कहा है, ये आत्मा का सजातीय है, समान जातीय, इसकी पुष्टि में प्रमाण दे रहे हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ऋग्वेद का मंत्र है, तो दो अच्छे सुंदर पर्ण वाले, अच्छे स्वरूप वाले, दोनों के अच्छे हैं, दोनों स्वभाव से धर्मात्मा है, अच्छे हैं, शुद्ध हैं। सयुजा सखाया, जो कि साथ साथ रहते हैं और दोनों सखा हैं, तो ये सजातीय हुआ। सखा तो जहां सजातीयता होती है, अनुकूलता मित्रता होती है, वहीं होती है। स्वात्मनो सखाया, जड़म ही हे पक्षम अर्हति, जड़ वस्तु तो हे में आती है, तस्य स्वात्म तो विजातीयत्वात् सावयवत्वाच्च, तो विजातीय है और सावयत्व है, सब अवयव वाली है, इसलिए वो हे पक्ष में आती है, अनित्य होती है, परमात्मा ऐसा नहीं है। उक्तम च तत्संगेन आत्महानि, और उसके संग से, अर्थात प्रकृति के संग से आत्मा की हानि होती है, यह शास्त्र में मिलता है। उपयोग होता है उसका निषेध नहीं है, लेकिन इसी से जुड़ा रहे तो उसकी हानि होती है। साधन के रूप में जब प्रयोग करेंगे तो इससे लाभ होगा, लेकिन अगर इसी से जुड़ा रहेगा तो हानि होगी। उसको हे पक्ष में रखा, इसके लिए कठोपनिषद का वचन दिया, ही यते अर्थात य उप्रेयो वृणीते, श्रेय और प्रेय दो मार्ग बताए, तो जो प्रेय का वर्णन करता है, प्रेय मार्ग का वर्णन करता है, वो अर्थ से क्षीण हो जाता है, रहित हो जाता है। अर्थ का मतलब है प्रयोजन, जो जीवन का प्रयोजन है, आत्मा का प्रयोजन है, लक्ष्य है नित्य सुख की प्राप्ति, उससे वो क्षीण हो जाता है जो इस प्रेय मार्ग को चुनता है। सोचा तो ये था कि मैं पूर्ण सुख की प्राप्ति करूंगा, दुख की पूर्ण निवृत्ति करूंगा, लेकिन इस प्रेय मार्ग का चयन करता है क्योंकि प्रिय लगता है, सुखद लगता है, लेकिन इससे उसकी जो लक्ष्य था उससे उल्टा चित्त हो जाता है। सोच तो रहा था इससे प्राप्ति होगी ये, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो त्याज्य कोटि में आता है। और देखिए स्वाप्ययात, अगला सूत्र का अगला हेतु कहा, स्व अप्ययात, तो स्व का मतलब है, भाष्य खोल रहे, स्वस्य आत्मनो अप्ययो अपिगमनम आश्रयणम अस्ति इति हेतु। स्वस्य मतलब स्व का, आत्मा का, अप्यय, अप्यय का मतलब है गमन, अपि अय, अय गति अर्थ में है, अपि गमनम अर्थात आश्रयणम, आश्रय अस्ति, इसका हेतु कौन है, इति हेतु, इस हेतु से ब्रह्मात्मा निमित्त कारण, हमारा आश्रय कौन है, हमारा अंतिम क्या है, परमात्मा है, इसलिए भी वो निमित्त कारण है। उक्तम च, जैसा कि कहा है, स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते, वह यानी वह जीव उस पर आत्मा में, परे आत्मनि पर आत्मा में, अक्षरे जो कि क्षीण नहीं होता है, उसमें संप्रतिष्ठते, उसमें जाकर के स्थिर होता है। प्रश्नोपनिषद, वेदेपि, वेद में भी कहा है, तत्कदानु अंतर वरुणे भुवानी, प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि परमात्मा मैं आपके अंदर कब स्थित हो जाऊंगा, तत्कदानु अंतर वरुणे भुवानी, हे वरुण मैं तेरे अंदर कब स्थित हो जाऊंगा। ऋग्वेद,
अत्र स्वात्मनः आश्रयणं ब्रह्मात्मा प्रार्थते, अपनी आत्मा के आश्रय के रूप में परमात्मा से प्रार्थना। सहनावतु सहनौपुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः।